हेलो गाइस क्या हालचाल है आप सबके वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी बड़ी ही ज़बरदस्त डिफरेंट मज़ेदार किस्म की दही वाले बैंगन की रेसिपी जो कि बहुत ही यूनिक मज़ेदार डिफरेंट रेसिपी है और अगर घर में बैंगन कोई शौक से नहीं भी खाता तो आप ये रेसिपी बनाएंगे और उनको खिलाएँगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और ये रेसिपी इतनी ईजी यमी और डिफरेंट बनती है कि मैं आपको क्या बताऊँ सो लेट्स गेट स्टार्टेड हमने लिए हैं जी वन के बैंगन मैंने ये ऐसे छोटे छोटे मिनी साइज के बैंगन ले लिए थे और इनको हमने जो है इस तरह स्लाइसेस के अंदर काट लेना है ठीक तो है, तो थीक है? थीक है? है? है।, है? सारे के सारे बैंगनों को हमने इस तरह स्लाइसेस में काटना है बहुत तो मोटे स्लाइसेस नहीं रखने बस दरम्याने साइज के स्लाइसेस रखने हैं और इस तरीके से हमने इनको सबको काट लेना है ठीक तो है फिर हमने लिया है जी एक बाउल के अंदर ठंडा पानी और उनके अंदर इनको रखते जाना है अगर आप इनको पानी के अंदर साथ नहीं रखेंगे तो वो काले होना शुरू हो जाते हैं सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे जैसे काटते जाएं तो इनको आप पानी के अंदर यूं सोक करते जाएं और फिर हमने लिए हैं जी तीन से चार अदद गार्लिक लिए हैं और पांच से छ ग्रीन चिलीज लिए हैं अगर आपको स्पाइसी थोड़ा सा कम पसंद है तो ग्रीन चिलीज़ आप कम कर सकते हैं और इनको मैंने इस तरह फ्रेशली जो कूट के इनका फ़्लेवर निकलता है और जो मज़ा आता है ना इसका हांडी में वो उसका कोई जवाब नहीं है सो so, इसको फ्रेश कूटें बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा दो कप मैंने लिए हैं जी थिक योगर्ट ठीक है थिक दही लेना है इसका ये है कि हम थिक योगर्ट का ज़बरदस्त सा तड़का बनाएंगे ठीक है इसको मैंने ऐसे फेंट लिया है और फिर तड़के के अंदर हमने डालना है जी पाँच से छः टेबल स्पून ऑयल लिया है और वन टेबल स्पून हमने लिए है जी जीरा तीन से चार रेड ड्राई चिली जो होती हैं गोल वाली लाल मिर्च सात से आठ करी लीव्स और करी पत्ता जो होता है और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे डाली है जी ददरी मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं और ये इसका हमने ना एक आला सा तड़का तैयार कर लेना है इसको तीन से चार मिनट लगेंगे हल्की आंच के ऊपर इसको हमने पकाना है जब तक ये बहुत मज़े की सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए दैट इज़ इट इसको फिर हमने रिमूव कर लेना है और जो हमने दही फेंटा था उसके अंदर ये हमने खूबसूरत सा तड़का बना के साइड पर रख लेना है इसको अच्छे से अंदर से मिक्स कर लें और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इतना मज़े की सी खुशबू आती है ना कि बहुत बहुत अमेजिंग बनता है ये और पूरी डिश का जो है ना खुशबूदार मज़े ही बना देता है डिश को फिर हमने लिया है जी एक पैन के अंदर तीन से चार टेबल स्पून ऑयल लेके जो हमने सारे के सारे बैंगन काटे थे उनको हमने ना फ्राई कर लेना है बैजेस में फ्राई कर लें काफ़ी सारे बैंगन होंगे तो दो पैन रख लें एक ही टाइम पे या एक ही पैन के अंदर आप वन बाय वन करके बैजेस के अंदर इनको फ्राई कर लें तीन से चार मिनट एक साइड पे करना है और तीन से चार मिनट दूसरी साइड पे तो ये इस तरह जब ये गोल्डन ब्राउनिश सा इनके अंदर कलर आ जाएगा तो बस ये हमारे बैंगन जो है वो फ्राई हो जाएंगे और इनका कलर जो है वो अच्छे तरीके से चेंज हो जाएगा इनको आप निकाल के प्लेट के अंदर रख लें और साइड पर कर लें अंटिल ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे फिर हमने बनाना है जी इसका तीसरा स्टेप वो है हमारी ग्रेवी और ये बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बनती है हाफ कप हमने ऑयल लिया है इसके अंदर वन चॉप मैंने अनियन डाला है और आप अनियन की पेस्ट भी बना सकते हैं लेकिन मैंने इसको बस ऐसे चॉप कर लिया था थोड़ी देर इसको हम सौते करेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए ट्रांसलूसेंट हो जाए थोड़ा सा और इसके अंदर जो हमने गार्लिक और ग्रीन चिल्ली की पेस्ट बनाई थी वो डाल देनी है अब इसको हमने दो से तीन मिनट ऐसे आ, हल्का सा सौते करना है जब तक इसकी और ज़बरदस्त खुशबू आ जाए फिर हमने इसके अंदर सारे के सारे मसाले डालने हैं बहुत ही बेसिक मसाले हैं हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा और वन टी स्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर भी डालना है सूखा धनिया पाउडर डालना है गर्म मसाला पाउडर डालना है वन फोर्थ टी स्पून हल्दी डालनी है चिली फ्लेक्स डालने हैं पेपरिका या कश्मीरी लाल मिर्च है आपके पास तो वो डालें और वन टीस्पून सॉल्ट डाल के सॉल्ट को अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें और फिर हमने डाला है जी तीन टेबल स्पून टमाटो पेस्ट अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो एक बड़े टमाटर को ब्लेंड करके वो डाल लें इसके अंदर और ये हमने इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है मीडियम टू लो हीट के ऊपर ताकि अच्छे से हमारे मसालों की खुशबू निकल आए और जो हमने टमाटो पेस्ट डाली है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए फिर हमने हाफ कप इसके अंदर डालना है जी पानी और फिर हमने इसको कवर करके आठ से दस मिनट के लिए ना मीडियम टू लो हीट के ऊपर पकाना है ताकि ये यकजान ज़बरदस्त जबरदस्ता खूबसूरत सा हमारा ग्रेवी मसाला बन के तैयार हो जाए आठ से दस मिनट के बाद आप कवर हटाएंगे तो ये इसकी स्टेज इस स्टेज पे आ जाएगा ऑयल इसका सेपरेट हो गया है मसाले अच्छे तरीके से भुन गए हैं टमाटर प्याज जो है वो भी हमारा अच्छे तरीके से गल गया है एंड दैट इज इट अब हम लोगों ने जी इसकी असेंबलिंग कर लेनी है सबसे पहले हमने डालना है जी ये मसाला जो हमने तैयार किया है ग्रेवी बहुत ही मजे की बनती है उसके ऊपर जो हमने सारे के सारे बैंगन फ्राई किए थे उनकी सारी लेयर लगा देनी है वैसे लोग ये भी करते हैं कि एक दफ़ा मसाला फिर बैंगन फिर मसाला फिर बैंगन लेकिन मैंने एक ही दफ़ा में इजी वे में किया है कि एक मसाले की लेयर है फिर बैंगन की लेयर है और ये जो हमने दही का ये आला खूबसूरत मज़ेदार किस्म का तड़का तैयार किया था उसकी लेयर लगा देनी है और फिर जो मैंने थोड़ा सा मसाला जो है ना एंड पे रख भी लिया था एक दो चम्मच वो आप रख लीजिएगा ताकि इसके ऊपर डालने बहुत खूबसूरत लगता है तो इसकी शक्ल और भी प्यारी बन जाएगी और साथ में फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया जो है उसको चॉप करके वो हम डालेंगे ढेर सारा सा और हमारे ज़बरदस्त किस्म के बैंगन दही वाले बैंगन तैयार हैं डू ट्राई इट गाइज़ ये बहुत ही आला डिश है बहुत यूनिक डिश है जब आप ये बनाएंगे अपने घर वालों को मेहमानों को खिलाएंगे तो ज़रूर ज़रूर लोग आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे क्योंकि बहुत मज़े की बनती है डिफरेंट बनती है और रेगुलर हमारे घर के जो खाने हैं उनसे ये डिफरेंट बनती है और बहुत ही आसान है बनाना और बहुत बहुत यूनिक बनती है सो डू ट्राई इट गाइज़ एंड गिव मी योर फीडबैक और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है सो so इसको ज़रूर लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ज़बरदस्त से ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेके आती रहूँ अनटिल देन टेक केयर एंड मिलते हैं अगली रेसिपी में बाय बाय